ये देखते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। ये 1 से 6 तक जितने भी नंबर हैं ये क्या 8 से डिविजिबल हैं या नहीं, इन्हें चेक करना था। ये देखते हैं इनके सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, 9364। कोई नंबर 8 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। तो आइए देखते हैं इसे। द नंबर फॉर्म्ड बाई 100 टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज 364। 100 टेंस और वंस प्लेस डिजिट क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं जो कि विच इज नॉट डिविजिबल बाई 8, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देयर फॉर या हैंस 9364 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, और यहाँ कंडीशन में ऐसा नहीं है इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, 2138। तो इसकी 100 टेंस और वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 138, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इसे कैसे लिखेंगे कि द नंबर वर फॉर्म्ड बाई 100 टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज 138, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 8, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। सो या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसके बाद, हैंस 2138 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, इसलिए वैल्यू भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन थर्ड। इसमें क्या लिखा हुआ है, 36792। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले तो कि द नंबर फॉर्म्ड बाई हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज 792। 100 टेंस और वंस प्लेस डिजिट क्या निकल के आ रही है, ये 792, जो कि विच इज डिविजिबल बाई 8। ये 8 से डिविजिबल है, 8 9 जे 72, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 8 9 जे 72, 99 टाइम्स में। तो हैंस लिखेंगे कि हैंस 36792 इज डिविजिबल बाई 8, इसलिए ये वैल्यू भी 8 से डिविजिबल होगी। देखते हैं क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, 9,01,000
1674 ईयर से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले हम लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाय हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज, जो हंड्रेड टेंस और वंस प्लेस के डिजिट क्या है, 674, विच इज, अगर हम इसे 8 8 64 करते हैं तो 7 में से 4 जाने पर 3 बचता है, फिर ये डिवाइड नहीं होगा, तो विच इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाई 8। ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हैंस 9,01,674 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, तो ये वैल्यू भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन 5th, इसमें क्या कह रहा है, 1,36,976। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाई हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज, हंड्रेड टेंस और वंस प्लेस के डिजिट क्या बना रहा है, 976, विच इज, तो देखते हैं 8 1 8 किया, फिर यहाँ बचे 17, 8 2 16, फिर 1 बचेगा, फिर 8 2 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई बाई 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस 1,36,976 इज डिविजिबल बाय 8, ये 8 से डिविजिबल रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन 6th, इसमें क्या कह रहा है, 17,90,184। पहले तो हम लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाय हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज, हंड्रेड टेंस और वंस प्लेस की डिजिट क्या बन रही है, 184, विच इज, अब 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो 8 2 16, 2 बचेगा, 8 3 24, डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस 17,90,184 इज डिविजिबल बाय 8, इसलिए 8 से डिविजिबल होगा।